फिलहाल एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ज़रूरत है धीरज रखने की, पेशेंस रखने की और अपनी तैयारी पूरे मन से करने की। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में। बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आते हैं उसका एक एनालिसिस मैं इस वीडियो में लेकर आने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिकल में टाइम नहीं आ रहा है, क्या करें, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, इतने नंबर हैं, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, फिजिकल का कॉल आ पाएगा कि नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपको खुद एक अंदाज़ा हो गया है अभी तक जितना एनालिसिस आपने यूट्यूब पर देखा है और जितने आपके नंबर आए हैं और जो भी आपका पूरा स्टेटस है अभी तक का, उसके हिसाब से जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने फिजिकल की तैयारी चालू की है उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिकल की तैयारी करने से कोई नुकसान तो है नहीं आप लोगों का, कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान है अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिजिकल की तैयारी अगर कर रहे हो तो मन में ये बार बार ख्याल लाने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो पूरे मन से तैयारी करो। और साथ ही ये जो आपका अब फिजिकल कॉल के लिए जो रिज़ल्ट आने वाला है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि किस प्रकार का जो है आपका रिज़ल्ट दिखेगा, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रख के तैयारी करने की, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये लेट हो जाता है। मेरे समय की मैं बात करूँ तो ये जो है इस रिज़ल्ट को आने में 3 से 4 महीने लग गए थे। पिछली बार का जो मैं बता रहा हूँ 3 से 4 महीने का समय जो है लग गया था इस वाले रिज़ल्ट को आने में। सेकंड स्टेज का जो रिज़ल्ट आता है, यू हैव क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज और यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, ये वाला जो रिज़ल्ट है आपका फिजिकल के लिए जो कॉल है, ये वाला पिछली बार जो समय है वो 3 से 4 महीने का लग गया था। तो इस बार कोई श्योरिटी नहीं है कि ये कब तक आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्च का आखिरी सप्ताह या अप्रैल के महीने में जो है आपको जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के लिए जो है कॉल आ सकता है और आपका जो फिजिकल है वो मई जून तक जो है संपन्न हो सकता है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। मेरा कहना है कि व्यापम इस बार जो है किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं है, ना ही कोरोना का समय बचा है अब, और ना ही किसी भी प्रकार के अन्य कारण हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट लेट हो, आपका फिजिकल लेट हो। तो बहुत लिमिटेड समय है, इस लिमिटेड समय का जो है आपको सदुपयोग करना है और अपनी फिजिकल की तैयारी को अच्छे से करना है। बहुत सारे लोग पिछली बार मात्र इस वजह से फेल हो गए थे क्योंकि उनको फिजिकल के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिला था, पर्याप्त तरीके से वो तैयारी ही नहीं कर पाए थे। तो अभी अगर आपके नंबर अच्छे हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बस ये बात करूंगा कि नंबर हैं तो और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से टाइमिंग किसी की नहीं आती है, लॉन्ग जंप नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट पुट नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, बस दौड़ना स्टार्ट कर दो और अपना टाइमिंग अपने आप निकलने लगेगा। रोज़ 2 से 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करो आप रनिंग की, स्लो स्लो रनिंग करो, हौले हौले चीज़ें होती हैं, आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, आप रनिंग करोगे फिर थोड़ा तेज़ दौड़ना चालू करोगे, तेज़ दौड़ने के बाद लास्ट 200 मीटर आप जो है स्प्रिंट मारना चालू कर दोगे, फास्ट रनिंग जो होती है वो करना स्टार्ट कर दोगे। तो लेकिन अगर आप पहले दिन से सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें जो हैं अच्छी होती जाएंगी आपके साथ, और प्रैक्टिस अभी से चालू करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस चालू नहीं कर रहे हैं तो ये फिजिकल एग्ज़ाम जो है आपसे क्लियर नहीं होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग होती है, रनिंग आपने निकाल ली है तो लॉन्ग जंप और गोला फेंक जो है वो आप निकाल लेते हैं। तो रनिंग जो है उस पर विशेष फोकस रखिए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, प्लस आपके पास समय कम है ये भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी से तैयारी चालू नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। और सारे डाउट हैं और सारी बातें हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछते जाइएगा, हम बीच बीच में जो है आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है, सारी डाउट्स जो हैं हम क्लियर करते रहेंगे। एक ये जस्ट कैजुअली वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि पूरे मन से तैयारी करिए, सच्चे मन से मोटिवेट बने रहिएगा, किसी भी प्रकार के नकारात्मक ख्याल मन में नहीं लाइएगा। अभी हाल ही पेपर में कुछ छपा था ऐसा कि किसी बच्चे ने एमपी पुलिस एग्ज़ाम में कम नंबर आने की वजह से सुसाइड कर लिया, तो ऐसा कुछ कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये मात्र एक एग्ज़ाम है, अगले साल फिर भर्ती आएगी, फिर नए सिरे से तैयारी करके आप नए सिरे से भर्ती हो सकते हैं। ये कोई स्टॉपेज पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई अगर आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सच्चे मन से तैयारी करिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट देने के बाद अगर आपका नहीं होता है तो वो आपकी फॉल्ट नहीं है। जब इंसान लड़ाई लड़ता है, जंग लड़ता है या कोई भी चीज़ करता है
तो वो या तो जीतता है या तो वो सीखता है, हारता कभी नहीं है। तो जब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो जब अब तक आप मन से हार नहीं मानेंगे, आपकी हार नहीं है। और हार तब तक नहीं है जब तक आप खुद स्वीकार नहीं करते हैं। तो हार को स्वीकार मत करिए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ जो है लगे रहिए, रनिंग करिए, पूरी हार्ड रनिंग करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा हार्ड रनिंग कर लिए और दूसरे दिन से बिस्तर पकड़ लिया, नहीं। धीरे धीरे अपना स्टेमिना डेवलप करिए, अच्छी चीज़ खाइए, अच्छा डाइट लीजिए, अच्छे से रनिंग करिए और अपना जो है टारगेट अचीव करने के लिए लगे रहिएगा। 2:45 आपका समय है 800 मीटर रनिंग के लिए, तो टाइमिंग का भी ध्यान रखें कि अभी आप कितना समय ले रहे हैं। और नित नया दिन जो है आपका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उस पर भी ध्यान देना है, इम्प्रूवमेंट लाते जाना है ताकि आपका जो है टाइमिंग फिजिकल एग्जाम तक आपका 2:45 के अंदर आने लगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और भी कोई बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।